डीजल और पेट्रोल के ऊपर हो रहा है, मैं देखते आ रहे हैं। ये गौरव यात्रा में सैकड़ों लोगों से मुलाकात हुई और सबसे उन्होंने अधिक अपनी पीड़ा जो बताई है, तो उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमत इतनी भारी हो गई है कि हम लोगों को हरियाणा में, पंजाब में जाना पड़ता है, इसका हमको बहुत नुकसान है। हर वर्ग प्रभावित है उससे, आमजन भी प्रभावित है, किसान भी प्रभावित है, व्यापारी भी प्रभावित है, और विद्यार्थी पढ़ने लिखने जो जाता है वो भी प्रभावित हो जाता है। इनकी बढ़ती कीमत से घर-घर का जो बजट है वो गड़बड़ा जाता है। अंदर महिलाएं चिंता करती हैं, मुझे मालूम है कि अब फिर बढ़ गया, अब हमारा क्या होगा। और हमारी सरकार, हम मानते हैं कि आप लोगों की सरकार है, तो हमारी सरकार जब देखती है कि आपको कष्ट हो रहा है, मैं भी समझती हूँ कि पेट्रोल और डीजल पर वैट की दर को 4% कम करने की अब मैं घोषणा आपके सामने आज करना चाह रही हूँ। 4% हमने बात की पेट्रोल वालों से भी। वसुंधरा राजे, भाइयों बहनों, मैं मानती हूँ कि जब ये आप लोग इतने परेशान हो रहे हो और हमको आय मिलती है, क्योंकि आजकल आप सब जानते हो कि राज्य सरकारों की आयों के अंदर बहुत कमी हो गई, उसके बावजूद भी मैंने सबको ये कहा कि अगर ऐसी परिस्थिति है जिसमें जनरल जनता को प्रॉब्लम हो रही है, किसान को प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर हम लोगों को इसके अंदर देखने की जरूरत है। और हम जो वैट लेते हैं उस वैट दर को अगर 4% हम लोग कम कर लेते हैं, तो इसके बाद वैट और पेट्रोल पर 30% को 26% वैट करने का काम हम करें, ये पेट्रोल पे आ जाएगा, और डीजल पर 22 को 18% हम करने का काम करें, तो इसका फायदा हम समझते हैं कि सब पूरे परिवारों को, किसानों को जरूर होगा। और ये सोचते हुए आज मैंने सोचा कि इसी मौके पे आप सबके सामने इसकी मैं घोषणा कर दूं, ताकि कुछ तो राहत आप लोगों को मिल जाए। राज्य सरकार पर लगभग 2000 करोड़ का अतिरिक्त भार अब इससे आएगा, परंतु जैसे मैंने कहा, इच्छा शक्ति का सवाल है, पैसे मिल जाएंगे, पैसे देख लेंगे। अगर जनता को किसी चीज की पीड़ा होती है तो उस पीड़ा में किस तरीके से हाथ बटाया जाए, उसका सोचना और उसमें उनकी मदद करने का काम जरूरी है। इसलिए आज आपके पेट्रोल के वैट, आपके डीजल के वैट दोनों के अंदर 4% की कमी करने की मैं आज घोषणा करती हूँ। उसका फायदा मैं विश्वास करती हूँ। वसुंधरा राजे 4% वैट कम करके जो एक बड़ी राहत अपने को इन दोनों पेट्रोलियम पदार्थ पे दी है, उसके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम माननीय वसुंधरा जी का धन्यवाद है। मैंने आज कहा है कि 2000 करोड़ का फायदा है सबको, मैं इनको सबको दे रही हूँ 2000 करोड़ का, क्योंकि वो वहन करना पड़ेगा राज्य सरकार को, पर राज्य सरकार वहन करेगी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि कुछ भी है जनता की पीड़ा में हाथ बटाना जरूरी है। कितना भी जितना भी हम कर सकते हैं उतना हमने करने का सोचा है। मैंने दोपहर को भी पेट्रोल वालों से बात की थी, आज आप लोगों के सामने ये घोषणा करना चाहती हूँ। भगवान करे कि इससे कुछ तो आप लोगों को आराम मिल जाए। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और इसलिए मैंने तुम्हारे इस जगह के ऊपर मैंने सोचा कि पिताजी को श्रद्धांजलि दे ही रहे हैं, उसके साथ साथ इसकी भी घोषणा अपन कर लें, ताकि लोगों को इसका फायदा भी हो जाएगा। थैंक यू। बोला पीछे को सुरेश कैमरामैन बुलाना दोनों। रावत सर से आप सुन रहे थे सीएम वसुंधरा राजे को। बड़ा ऐलान यहां पे किया इन्होंने, पेट्रोल और डीजल को लेकर के वैट में 4% की कटौती की है और बहुत बड़ी यहां पर राहत देने की कोशिश की है। और इन्होंने इसका एग्जांपल भी दिया कि किस कदर यहां पे लोग परेशान होते थे, कोई हरियाणा की ओर रुख करता था और कोई यहां गुजरात की ओर रुख करता था, लोगों को दिक्कत होती थी। तो यहां पर बड़ी राहत, एक बड़ा ऐलान कह सकते हैं हम, और मूर्ति का अनावरण करने यहां पर पहुंची थी, लेकिन इस अवसर पर इन्होंने एक बड़ी सौगात दी है सूबे की जनता को, व्यापारियों को, खास करके जिक्र किया उन्होंने स्टूडेंट्स के बारे में भी, जो स्टूडेंट्स हैं दूर दराज से आते हैं पढ़ने लिखने के लिए कॉलेज में, उन्हें भी बहुत दिक्कत होती है, और इसको लेकर के यहां पर बड़ा ऐलान किया है। देखिए, चुनावी साल है और एक के बाद एक घोषणाएं लगातार बीजेपी की तरफ से अब किए जा रहे हैं। पेट्रोल डीजल को लेकर पूरे देश में हाहाकार मची हुई है, जिस कदर पेट्रोल और डीजल के दाम आए दिन बढ़ोतरी किए जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उसको लेकर के यहां राज्य सरकार ने हालांकि यह भी दिखाया है कि
राज्य की जो आय है उसमें कितनी कमी हुई है और यहां पर खुद इन तमाम चीजों का बोझ उठा करके आम जनता को राहत देने की कोशिश की जा रही है। तो सीएम राजे ने रावतसर से बड़ा ऐलान किया है, 4% तक वैट कम करने की